कैसे गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया ही होगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि हम अपनी डेली लाइफ में अपने फेस पर यूज़ करते हैं और फिर वो कभी ना कभी जाके हमें दिक्कत देती है। कुछ हमें शॉर्ट टर्म में दिक्कत दे देती है, जैसे हम आज ही लगाएंगे और हमें आज या कल में ही दिक्कत दे देंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि हमें काफ़ी लंबे टाइम बाद दिक्कत देती है और हमें पता भी नहीं चलता। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चार चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि हर कोई अपनी डेली लाइफ में ज़्यादातर यूज़ करता है और फिर बाद में जाकर उन्हें हो जाती है दिक्कत। बट गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ। अगर आपको भी अपने किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ग्रूमिंग, लाइफस्टाइल, फैशन से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो या आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हो। वहाँ पर आप मुझसे पर्सनली बात भी कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली चीज़ है वो है सोप। जी हाँ, आपको सोप कभी भी अपने फेस पर यूज़ नहीं करता। अब आप कमेंट करके बताना कि आप में से कितने लोग सोप यूज़ करते हो और कितने लोग नहीं। क्योंकि सोप अगर आप फेस पर यूज़ करोगे तो होता क्या है कि हमारे फेस की स्किन होती है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव, और सोप जो बना हुआ होता है वो बना हुआ होता है हमारे इस स्किन के लिए, मतलब नीचे की बॉडी के स्किन के लिए। क्योंकि जो हमारी बाकी फेस के स्किन के अलावा जो बाकी की स्किन होती है वो हमारी इतनी ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होती, और सोप का pH लेवल हमारी फेस की स्किन के pH लेवल से काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। सो वो हमारे फेस को काफ़ी ज़्यादा ड्राई कर देता है और हमें पिंपल वगैरह की प्रॉब्लम भी हो जाती है। लॉन्ग टर्म में देखने के लिए ये पिंपल वगैरह की प्रॉब्लम हमें मिल जाती है। अब कभी कभार हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है पिंपल की या किसी और चीज़ की हमारे फेस पर, तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं सो डॉक्टर हमें कुछ सोप देते हैं फेस पर लगाने के लिए। सो वो सोप आप लगा सकते हो जो कि डॉक्टर रिकमेंडेड सोप हो, क्योंकि वो जो सोप हमें देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे फेस के लिए ही होते हैं। उनका pH लेवल हमारे फेस के बराबर ही होता है। बट जो ये नॉर्मल हम सोप अपने बॉडी वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं वो आप कभी भी यूज़ ना करें अपने फेस पर, वरना आपको दिक्कत झेलनी पड़ जाएगी। सो जो नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है हमारा कोलगेट। जी हाँ, कुछ लोग अपने फेस पर कोलगेट भी यूज़ करते हैं। अब कोलगेट क्यों यूज़ करते हैं? अब वो पिंपल हटाने के लिए कोलगेट का यूज़ करते हैं। अब ये बात मैं मानता हूँ कि कोलगेट से पिंपल हट जाता है, वो बिल्कुल एकदम सप्रेस हो जाता है, वो भी 1 से 2 दिन में अगर आप कोलगेट को पिंपल पर लगाओगे तो। बट वो दिक्कत क्या दे जाता है? वो ज़रूर एक आपके फेस पर डार्क स्पॉट छोड़ जाएगा जो कि आपको हटाने में 6 से 7 महीने ज़रूर से लग जाएंगे। और डार्क स्पॉट हमारे फेस पर पिंपल से भी ज़्यादा बुरा लगता है और ये हटाने में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो इसीलिए कोलगेट का यूज़ कभी भी पिंपल को हटाने के लिए ना करें। ये हमारे टीथ के लिए बना है, इसे टीथ पर ही यूज़ करें। देन जो थर्ड चीज़ होने वाली है वो होने वाली है हमारा लेमन। जी हाँ, आपको लेमन भी कभी भी डायरेक्टली अपने फेस पर नहीं लगाना है, क्योंकि लेमन काफ़ी ज़्यादा हार्श होता है और वो काफ़ी ज़्यादा स्किन पर शूट नहीं करता है। आप लेमन डायरेक्टली अगर आप लगाओगे तो होता क्या है कि हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा जलने लगती है, और इसे लगाने के बाद अगर आप कहीं ज़्यादा लाइटनिंग में चले जाओगे तब तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा जलने लग जाएगी और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा निशान जले हुए के भी दिखने लग जाएंगे, आपको थोड़ी थोड़ी स्किन बर्न सी होने लगेगी। सो आपको लेमन भी डायरेक्टली कभी भी अपने फेस पर नहीं लगाना है। आप किसी चीज़ में मिक्स करके 1 से 2 ड्रॉप अपने फेस पर लगा सकते हो, वो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, बट डायरेक्टली कभी भी मत लगाना है। जो लास्ट चीज़ होने वाली है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली, जिस पर कि काफ़ी ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते, जो कि सनस्क्रीन। अब सनस्क्रीन आप कहोगे कि भाई ये तो हमें यूवी रेस से बचाती है, ये क्यों हम फेस पे ना लगाएं? सो सनस्क्रीन हमें फेस पर लगानी चाहिए, बट हमें क्या चीज़ें उसमें देखनी पड़ती है? वो देखनी पड़ती है हमें SPF। जी हाँ, SPF देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप 30-40 SPF से ज़्यादा की सनस्क्रीन लगाओगे आपके साथ होगा क्या कि आप सनस्क्रीन यूवी रेस से बचने के लिए लगा रहे हो, बट वो दे जाएगी आपको दिक्कत। क्योंकि 30-40 SPF से ऊपर वाली जितनी भी सनस्क्रीन होती है वो होती है हमारी बॉडी के लिए बाकी की, और जो 30-40 SPF वाली होती है वो होती है हमारे फेस के लिए, क्योंकि फेस की स्किन हमारी सेंसिटिव होती है। इसके पोर्स हमारे इन पोर्स जितने बड़े नहीं होते, सो वो ब्लॉकेज कर देती है हमारे पोर्स में और फिर हो जाती है हमें दिक्कत। ये चीज़ आप सनस्क्रीन में ज़रूर से पढ़ लेना कि आपके सनस्क्रीन कितने SPF वाली है। आपको जो सनस्क्रीन फेस के लिए लेनी है वो होती है 30-40 SPF वाली, उससे ऊपर वाली आप ले सकते हो अपने बॉडी के लिए। सो बस गाइस, इतना ही था आज की वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।